दिल्ली एनसीआर में जहरीला स्मोक छाया हुआ है। यह है शब्द स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी धुंध से मिलकर बना है। जहां सोमवार की शाम को स्मोक की वजह से विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर तक पहुंच गई थी, वहीं मंगलवार सुबह हालात और बिगड़ गए जब स्मोक के चलते दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रह गई। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि जहरीले स्मोक का कहर 3 से 5 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में तत्काल स्कूल बंद किए जाने चाहिए। आईएमए की चेतावनी के बाद दिल्ली सरकार भी सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से कहा है कि वे प्रदूषण के चलते कुछ दिन स्कूल बंद करें। वहीं दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी बेहद खराब की श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में छाए स्मोग ने रेल के साथ साथ हवाई यातायात पर भी असर डाला है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह 20 से अधिक फ्लाइट भी उड़ान नहीं भर पाई। वहीं स्मोग की वजह से 12 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मंगलवार के दिन ने दिल्ली के लोगों को साल 2016 में छाए स्मोग की याद दिला दी। स्मोग की वजह से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।